मेरा सवाल ये है कि जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमें सजा दे रहे हैं या एक, एक इम्तिहान ले रहे हैं तो मुश्किल में हो रहे हो तो अगर तो तुमने कोई बुराई की है और उस बुराई की वजह से मुश्किल में गिरफ़्तार हुए हो तो ज़ाहिर है पता लग गया ना कि सजा मिल रही होगी अगर कोई बुराई नहीं की और एक रूटीन अलबाज तो मुश्किल खड़ी हो गई रस्ते में सामने आ गई तकलीफ़ें तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई अल्लाह तला जैसे इम्तहान है ठीक है नबी तो अल्लाह ताला के बहुत प्यारे होते हैं ना उनको भी इतना आते हैं मुश्किल आती हैं ना ठीक है वो भी बीमार भी होते हैं उनको मुश्किल भी आती हैं आ हज़रत सल्लाम तो सबसे भी ज़्यादा प्यारे थे ना अल्लाह ताली के उनको भी मुश्किल रस्ते में आती थी ना उनके वक्त उनके पास भी ऐसा वक्त आया ना जब उनके पास खाने को भी कोई खाना नहीं होता था जब जंग के दिनों में उनको भी वक्त ऐसा वक्त आया जब उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे बांधे हुए थे ना तो उससे ज़्यादा प्यारा अल्लाह ताला त कौन था उनको भी मुश्किलात में डाल दिया फिर जंग की मुश्किलात हुई कई कई दिन की फाके होते थे ताशा कहती हैं हमारे घर में कई कई दिन आग नहीं जलती थी तुम्हारे घर एक लग, एक वक्त तुम्हें खाना ना मिले तो मुश्किल कहते हो हम किस मुश्किल में फंस गए यही मुश्किल होती हैं कई कई दिन आग नहीं जलती थी कभी खाना आ जाता था और सिरके में डुबो के हाँ वसम रोटी खाते थे तो कहते थे कैसे कितना अच्छा आला खाना है कभी किसी के साबी को पता लगा कि कई दिन से हाँ फाके से हैं तो उनको दावत करते थे ले जाते थे अगर तुम्हें तुम्हारे लिए यही मुश्किल आते है ना कि अगर तुम्हें आज माँ पैसे ना दे पैसे ना दे बर्गर खाने के लिए पॉकेट मनी ना दे स्कूल जाने के लिए तुम कहते किस मुश्किल में पड़ गए हम तुम्हारे लिए तो यही मुश्किल आते हैं या बुखार में मुबतला हो गए तो कहते मुश्किल में आंसर ने फरमाया कि बड़े सख्त गर्म थे कि मैं जितना मुझे तेज़ बुखार होता है और बीमार में होता हूँ जितनी मुश्किल में होता हूँ अगर तुम लोगों को हो तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते ठीक है तो मुश्किल तो जो हैं अगर अल्लाह ताला की खातर इंसान बर्दाश्त करता है नकियाँ कर रहा है और कोई बुराई नहीं कर रहा अगर तुम समझते हो तुमने कोई बुराई नहीं की तुम ने करने वाले हो तुम नमाज़ें पढ़ने वाले हो अल्लाह ताला की इबादत का हक अदा करने वाले हो लोगों के हक़ अदा करने वाले हो किसी से लड़ाई नहीं करते झगड़ा नहीं करते किसी का हक़ नहीं मारते फिर रस्ते में जो मुश्किल आती हैं इतला हैं वो इम्तहान हैं अल्लाह ताली की तरफ से अल्लाह तला मज़ीद देखता है कि हाँ तुम बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं और जब बर्दाश्त करते हो और फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हो हैं और फिर भी यही कहते हो कि हम राज़ी हैं उसी में जिसमें अल्लाह ताला की रज़ा है तो फिर अल्लाह ताला इनाम देता है और इनाम से नवास्ता चला जाता है और कुछ के नतीजे में फिर इंसान को पता लग जाता है कि उस मुश्किल के बाद जब आसानियाँ पैदा होती हैं तो तब पता लग जाता है कि अल्लाह हमारे से इम्तहान ले रहा था लेकिन अगर उस मुश्किल में मुँह से तुम लोग ऐसे अल्फाज निकालने शुरू कर दो जिससे ना शुक्री के अल्फाज हों या शिकवा हो ताला से, तो फिर वो मुश्किल लंबी होती चली जाती हैं और वो हो सकता है वो इबलाज इम्तहान जो है वो तुम्हारे लिए सजा का बायस भी बन जाए अगर तुम शुक्रगुज़ारी नहीं कर रहे इसलिए हर हाल में शुक्रगुजारी करो अल्लाह की इबादत करो बंदों के हक अदा करो तो अल्लाह ताली उसके नतीजे में रिवाड देता है और जजात देता है इनाम देता है और फिर इंसान को पता लग जाता है कि मैं जिस मुश्किल में से गुजर रहा था वो मुश्किल मेरी सजा नहीं थी बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान था ठीक है ठीक है नज़ारेकम